हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिजीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हार्ट फेलर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट फेलर क्यों होता है, यानी कि इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, और हम लोग हार्ट फेलर से कैसे बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हार्ट फेलर स्टार्ट करने से पहले हम लोग हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। एवरी वुमन को एक हार्ट है और ये हमारा जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गेन है। ये हार्ट चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है और स्लाइटली लेफ्ट साइड में है। हम लोग हार्ट का वेट देखेंगे तो वुमन का डिफरेंट है और मेल का डिफरेंट है। हम लोग वुमन का हार्ट का वेट देखेंगे तो ये 284.7 ग्राम है और मेल का देखेंगे तो 345.9 ग्राम, ये मेल के हार्ट का वजन है। और हमारे हार्ट में फोर चेम्बर्स यानी कि फोर पार्ट है। फोर पार्ट में हमारा हार्ट डिवाइड किया है, राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। और हमारा जो हार्ट है तो ये हार्ट के थ्री लेयर है। थ्री लेयर यानी कि हमारे हार्ट को थ्री लेयर से कवर किया है। फर्स्ट आउटर लेयर है, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो मिडल लेयर है तो मिडल लेयर को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है तो ये इनर लेयर को हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट फेलियर यानी कि हमारा जो हार्ट है ये हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसके बहुत सारे कॉजेस है, कॉजेस यानी कि कारण है। फेलियर के टू टाइप्स है, फर्स्ट तो अक्यूट हार्ट फेलियर, देन सेकेंड है क्रोनिक हार्ट फेलियर। अक्यूट हार्ट फेलियर यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों को हार्ट अटैक आता है और जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो रिकवर हो जाता है। अगर आप लोगों को क्रोनिक हार्ट फेलियर रहेगा तो जो रिकवरी का चांसेस है ये बहुत कम रहता है। अगर आप लोगों का हार्ट फेल रहेगा यानी कि डैमेज रहेगा तो ये राइट साइड हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, यानी कि अफेक्ट कर सकता है, और लेफ्ट साइड हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, या दोनों साइड में ये जो हार्ट फेलियर है ये अफेक्ट कर सकता है। हार्ट फेलियर ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। अगर आप लोगों को हार्ट फेलियर की हिस्ट्री रहेगी तो इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट फेलियर के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, क्यों हमारा हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि क्यों डैमेज हो जाता है। तो फर्स्ट है, अगर आप लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहेगी, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है आप लोग देख रहे हैं तो ये आर्टरी ब्लॉकेज रहेगी तो भी हम लोगों का जो हार्ट है ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्यों कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, बट ये कोरोनरी आर्टरी में ही कुछ ब्लॉकेज रहेगी तो ये अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी और हमारे हार्ट के जो टिश्यू है तो ये टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और डैमेज के वजह से हम लोगों का जो हार्ट है ये हार्ट फेल हो जाता है। एंड सेकेंड है, अगर आप लोगों को हार्ट अटैक की हिस्ट्री रहेगी तो भी हमारा जो हार्ट है ये फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट यानी कि एट बर्थ में ही हमारे हार्ट में फोर्स टाइप के डिफेक्ट रहते हैं और इस वजह से हम लोगों का जो हार्ट है ये हार्ट फेलर हो जाता है। और ये हार्ट डिफेक्ट कौन से है तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट यानी कि फोर्स डिफेक्ट रहते हैं। मैंने इस चैनल पर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या है ये इसकी पूरी जानकारी दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देन है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी यानी कि हमारा हार्ट का जो मिडल लेयर है ये मिडल लेयर बहुत ही वीक रहेगा। ऑब्वियसली ये मिडल लेयर बहुत ही वीक रहेगा तो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, और ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे जो भी ऑर्गेन है और जो भी टिश्यू है तो टिश्यू को अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और कार्डियोमायोपैथी के वजह से हमारे हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आता है और इस वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये हार्ट फेल हो जाता है। देन जिस पर्सन को हाइपर थायरॉइडिज्म के वजह से भी हम लोगों का जो हार्ट है ये हार्ट फेल हो जाता है। देन जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है हार्ट फेलर होने का। देन जिस पर्सन को डायबिटिक मेलिटस है तो डायबिटिक के वजह से भी ये हार्ट फेलर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा यानी कि हमारे लंग्स में जो एल्वियोला है, जो एयर सैग है, तो ये एयर सैग डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है।
क्यों डैमेज हो जाता है? क्योंकि हमारा हार्ट क्या काम करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लंग्स में भेजता है पंप करके, और हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलता है, और बाहर से जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इनहेल करता है, और हमारा ब्लड ये ऑक्सीजन कैरी करके लेफ्ट साइड हार्ट में आता है। बट अगर आप लोगों के लंग्स में जो एयर सैग है, जो एरुला है, यही डैमेज रहेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अच्छे से बाहर नहीं जाएगा, और बाहर का जो फ्रेश एयर है यानी कि ऑक्सीजन है, तो ये इनहेल नहीं कर पाएगा, और हमारे ब्लड को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हमारा जो ब्लड है ये ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। इम्फाइसिमा के वजह से भी हमारा जो हार्ट है तो ये हार्ट फेल हो जाता है। देन है हार्ट वाल्व डिसीज। हार्ट वाल्व डिसीज यानी कि हमारे हार्ट में ओपनिंग रहते हैं, ओके, और ये ओपनिंग में कुछ स्वेलिंग रहेगा या इन्फ्लामेशन रहेगा, इस वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये फेल हो जाता है। देन इनरेगुलर रिदम के वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये फेल होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को सीवियर एनीमिया रहेगा वो पर्सन को भी ज्यादा चांसेस रहता है ये हार्ट फेलर होने का। सीवियर एनीमिया यानी कि जिस पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रहेगा। ऑफकोर्सली हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो हमारे शरीर में जो आरबीसी है ये आरबीसी भी कम रहते हैं। हमारे आरबीसी क्या काम करते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो ये हमारे एवरी टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करते हैं। बट अगर हमारे शरीर में आरबीसी ही नहीं रहेगी तो हमारे हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, और हमारा हार्ट वीक हो जाएगा, और हमारे हार्ट के जो मसल्स है तो ये मसल्स डैमेज हो जाते हैं। जिस पर्सन को कैंसर है और वो पर्सन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेता है, तो इस वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग ड्रग यूज़ करते तो वो ड्रग्स के वजह से भी हमारा हार्ट फेल हो सकता है। देन जो लोग ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो इस वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये डैमेज हो जाता है। देन लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से भी हमारा हार्ट फेलर हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से यानी कि हम लोग अभी मोस्ट ऑफ द बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो हार्ट है ये हार्ट फेल हो जाता है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये हार्ट फेल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो इस वजह से भी हमारा जो हार्ट है ये फेल हो सकता है। देन लास्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी हार्ट रिलेटेड डिसीज कंडीशन रहेगा तो भी आप लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये हार्ट फेलर होने का। तो ये थे हार्ट फेलर के कॉजेस, कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट फेलर के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। फर्स्ट तो हमारे हार्ट के जो हार्ट रेट है ये बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज यानी कि फास्ट हो जाते हैं, और हार्ट पल्पिटेशन हो जाता है, कॉफिंग होती है, कॉफ करते हैं, कॉफ यानी कि खांसी करते हैं, तो स्पूटम बाहर आता है, सडनली वेट गेन होता है, वेट गेन यानी कि हमारा वजन बढ़ जाता है। देन इन लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत होती है। देन चेस्ट पेन भी होता है, यानी इनरेगुलर पल्स, हमारे जो पल्स है, पल्स यानी कि जो हार्ट रेट है ये समटाइम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाते हैं, और कभी कभी बहुत स्लो हो जाते हैं, यानी कि इनरेगुलर रहते हैं, कभी हाई हो जाते हैं तो कभी लो हो जाते हैं। एब्डोमिनल स्वेलिंग होती, एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी कि हमारा जो पेट है ये पेट भरा भरा सा रहता है, और इस वजह से हम लोगों को भूख नहीं लगती है, हम लोगों को नौशिया भी होता है, नौशिया यानी कि उल्टी जैसी लगती है, और ये लोग बहुत वीक रहते हैं, बहुत फटिक रहते हैं, और जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो स्वीजिंग साउंड आता है, और इन लोगों के जो एंकल्स है तो ये एंकल्स को स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाती है। तो ये थे हार्ट फेलर के सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन एडवाइस किया है वो टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, अगर पेशेंट की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो पेशेंट को इमिजिएटली आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, और प्रॉपर चेकअप करते हैं, पल्स हार्ट रेट चेक करते हैं, देन ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, ईसीजी भी एडवाइस करते हैं। ईसीजी क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस कर पाता है। देन 2D को भी करते, 2D को क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये अच्छे से स्कैन होता है, हमारे हार्ट में कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है ना, यानी कि ब्लड क्लॉट तो नहीं है ना, कुछ स्वेलिंग तो नहीं है ना, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है ना, ये चेक करने के लिए डॉक्टर 2D को भी एडवाइस करते हैं। देन ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं।
अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। इसमें टू टाइप्स की ट्रीटमेंट है, फर्स्ट तो मेडिकल ट्रीटमेंट, देन सेकेंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन कम करने के लिए सब मेडिसिन या इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के हार्ट बीट इनरेगुलर है तो वो रेगुलर करने के लिए सब इंजेक्शन या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही हाई रहेगा तो वो कम करने के लिए सब मेडिसिन डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। तो ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्सियस रहेगा तो पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन करते हैं तो कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते। कोरोनरी बाईपास सर्जरी यानी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती है, तो ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। बट अगर कोरोनरी आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज रहेगा तो हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ये कोरोनरी आर्टरी है और ये कोरोनरी आर्टरी में जहाँ ब्लॉकेज है तो ये ब्लॉकेज में जो हेल्दी आर्टरी है यानी कि जो ब्लड वेसल्स है ये कट करके रिपेयर करते हैं और दूसरी जगह से ब्लड फ्लो करते हैं, यानी कि दूसरी जगह से हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड फ्लो हो जाता है। तो सेकेंड है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर क्या करते हैं, तो एक कैथेटर हमारे आर्टरी में इंसर्ट करते हैं और वो कैथेटर को एक बलून ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ये कैथेटर जैसे ही हमारे आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, क्यों आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारी आर्टरी में कुछ क्लॉट रहेगा या हमारी आर्टरी नैरो रहेगी, नैरो यानी कि छोटी रहेगी, अगर ये आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल छोटी रहेगी तो हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। इस वजह से डॉक्टर एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और वो कैथेटर को एक बलून रहता है, ओके। जैसे ही आर्टरी में वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद जो बलून है ये बलून इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के बाद ये जो आर्टरी है ये आर्टरी ओपन हो जाती है और अच्छे से ब्लड फ्लो हो जाता है। और हमारी जो आर्टरी है, आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स में स्टेंट परमानेंट लगाते हैं जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। देन है डॉक्टर स्पेस मेकर एडवाइस करते। ये स्पेस मेकर क्या है, तो ये एक आर्टिफिशियल मशीन है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। हमारे हार्ट में जो इनरेगुलर रिदम है तो ये इनरेगुलर रिदम को कंट्रोल करने का काम ये स्पेस मेकर करता है। अगर सब ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो लास्ट डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये थे ट्रीटमेंट। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि हार्ट फेलर से कैसे बचे। फर्स्ट तो जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर से ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, उसमें ज़्यादा फैट प्रेजेंट रहता है, तो वो भी अवॉइड करना। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं यानी कि ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो वो कम करना बहुत ज़रूरी है। देन डेली एक्सरसाइज भी करना पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को हार्ट रिलेटेड कुछ भी डिसीज कंडीशन रहेगा और डॉक्टर ने जो भी डाइट एडवाइस किया है वो टाइम टू टाइम फॉलो करना है। अगर आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही हाई रहेगा तो वो रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को डायबिटिक का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो वो ब्लड प्रेशर और हमारा जो डायबिटिक है यानी कि शुगर है वो कंट्रोल में रखना। जिस पर्सन का ज़्यादा वजन है तो वो वजन कम कर। देन आप लोगों को हार्ट रिलेटेड कुछ भी डिसीज कंडीशन रहेगा और आप लोगों को ट्रीटमेंट चालू है तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक हार्ट फेलर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।